एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है नेक्स्ट है हमारे पास बिल्कुल सेम सवाल है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी सो दैट द फंक्शन इज डिफरेंशियबल अटैक्स इक्वल टू सी फंक्शन डेरिवेबल दे रखा है वही प्रोसेस है हमारा बिल्कुल सेम सम है एफ एक्स इज डिफरेंशियबल अटैक्स सी एफ एक्स इज एट अटैक्स सी एवरी डिफरेंशियबल फंक्शन इज कॉन्टीन्यूज पहले हमें पीछे में हमने जो पार्ट किया था सिक्स तो उसमें क्या था हमें पॉइंट दिया हुआ था वन पे ठीक है अब हमें सी बहुत वही है लिमिट एक्स एक्सटेंस टू सी नेगेटिव एफ एक्स लिमिट एक्स एक्सटेंस टू सी पॉजिटिव एफ एक्स एफ सी के इक्वल कॉन्टिन्यूस है ये इक्वा रख लिया सी नेगेटिव पे वैल्यू क्या है लेस देन पे जो वैल्यू होगी एक्स स्क्वायर है ये देखो ऊपर पॉजिटिव पे ए एक्स प्लस बी है और एफ सी पुट करेंगे एक्स स्क्वायर के अंदर तो सी स्क्वायर आ जाएगा ठीक है अब इसके अंदर एच टेंस टू जीरो पुट करते हैं लिमिट एच टेंस टू जीरो सी माइनस एच का स्केयर एच टेंस टू जीरो ए सी प्लस एच प्लस बी सी स्केयर इसको सोलो कर लिया एच टेंस टू जीरो सी स्केयर ए सी प्लस बी सी एच टेंस टू जीरो ए सी प्लस बी इजिकल टू सी स्केयर ये वैल्यू क्या आ जाएगी सी स्केयर सी स्केयर इज इक्वल टू ए सी प्लस बी ठीक है ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी और अब हम करेंगे इसको डेरीवेबल डेरीवेबल लेकर है। ये हमारे कॉन्टीन से आ गई सी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी डेरीवेबल से एट एक एक्स इक्वल टू सी पर देखेंगे सी पर राइट हैंड डेरीवेबल लिमिट एक्स टेंस टू सी पॉजिटिव लेफ्ट ले लो राइट ले लो कुछ कुछ भी ले सकते हो पहले एफ एक्स माइनस एफ एक सी बाई एक्स माइनस सी ठीक है तो सी पॉजिटिव पे वैल्यू हमारे वैलि पास क्या है ए एक्स प्लस बी माइनस एफ सी की वैल्यू सी स्केयर अपॉन में एक्स माइनस सी एच टेंस टू जीरो पुट करेंगे तो ए सी प्लस एच प्लस बी माइनस सी स्केयर अपॉन में सी प्लस एच माइनस सी ये वैल्यू आ गई ठीक है अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ए सी ए एच प्लस बी माइनस सी स्केयर अपोन में सी प्लस है सी से सी कैंसल अब ए सी प्लस बी को अलग लिख लिया और ए एच माइनस सी स्केयर को अलग लिख, लिख लिया ये क्यों लिखा क्योंकि ये वैल्यू हमारे पास क्या है सी स्केयर है और ए एच माइनस सी स्केयर और में एच इक्वेशन वन से हमने निकाली है ठीक है सी से सी कैंसल एच से एच कैंसल वैल्यू बचेगी वन ए एच टेंस टू जीरो होता है अब हम लेकर चलेंगे राइट हैंड डेरिवेबल लिमिट एक्स टेंस टू सी नेगेटिव एफ एक्स माइनस एफ सी अपोन में एक्स माइनस सी अब हमारे पास जो नेगेटिव पे फंक्शन एफ एक्स एक्स स्केयर है एफ सी की वैल्यू हमने सी स्केयर निकाली है और अपोन में एक्स माइनस सी ऊपर वाले को सोल्व करेंगे एक्स प्लस सी एक्स माइनस सी एक्स माइनस सी से एक्स माइनस सी कैंसिल हो गया वैल्यू बचेगी एक्स प्लस सी ठीक है लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो पुट करेंगे सी माइनस एच प्लस सी ठीक है अब इसको एच टेंस टू जीरो पुट करेंगे सी प्लस ए टू सी आ गया ठीक है अब सिंस एफ एक्स इज डिफरेंशियेबल एट एक्स इक्वल टू सी पे डिफरेंशियबल है लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड डेरीवेबल लेफ्ट हैंड डेरीवेबल सी पे इक्वल रख लेंगे ये वैल्यू हमारे पास ए आई है ये टू सी है दोनों को इक्वल रख लेंगे ए इजिकल टू क्या आ गया टू सी इसको हम इक्वेशन नंबर वन में पुट कर देंगे तो सी स्केयर इजिकल टू हमारे पास इक्वेशन कौन सी थी ए सी प्लस बी तो सी स्केयर पुट कर देंगे ए को टू सी स्केयर पुट करेंगे टू सी तो ये टू सी स्केयर हो जाएगा क्योंकि हमारे पास वैल्यू है ए सी प्लस बी सी स्केयर की ठीक है और ए की जगह पर हम पुट कर देंगे टू सी ठीक है जो हमने स्टार्टिंग में निकाली थी सी स्केयर इजिकल टू हमारे पास क्या आ जाएगा टू सी स्केयर प्लस बी ठीक है ये यहां से हम देखेंगे जो b की वैल्यू है सी स्केयर इधर आकर माइनस का हो जाएगा माइनस का सी स्केयर आ जाएगी और a की वैल्यू टू सी और b की माइनस सी स्केयर नेक्स्ट है हमारे पास शो दैट शो दैट एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्केयर इज डिफ्रेंशियबल एट एक्स इजिकल टू वन देन फाइंड एफ डैश वन इसका मतलब है डेरिवेटिव निकाल के एफ वन निकाल रहे हैं ठीक है Here f x एक्स इजिकल टू एक्स केयर ठीक है ये में गिवन है तो सबसे पहले निकालेंगे डेरीवेबल डेरीवेबिलिटी एट एक्स इक्वल टू वन ठीक है तो सबसे पहले क्या लेते हैं लेफ्ट हैंड डेरीवेबल इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू वन नेगेटिव एफ एक्स माइनस एफ वन अपॉन में एक्स माइनस वन ठीक है लिमिट एक्स टेंस टू वन नेगेटिव एफ एक्स हमारा क्या है एक्स केयर और माइनस में एफ वन इसके अंदर पुट करेंगे वन अपॉन में एक्स माइनस वन लिमिट एक्स टेंस टू वन नेगेटिव एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन अपॉन में एक्स प्लस वन से एक्स प्लस वन कैंसल आउट हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो बना देंगे इसको एच टेंस टू जीरो पुट करेंगे तो वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी जीरो आ जाएगी एक सेकेंड यहां से देखो नीचे माइनस का वन है ठीक है तो ये माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा तो प्लस वाला एक्स बचेगा ठीक है तो यहां प्लस की वैल्यू आ जाएगी क्योंकि नीचे माइनस का है ना तो माइनस वाला कैंसिल होएगा प्लस बचेगा और वन माइनस एच प्लस वन तो वन प्लस वन कितना आ जाएगा टू आ जाएगा ठीक है और यहां पे लिख देना कि एफ वन हमारा कितना है वन का स्क्वेयर ओरिजिकल टू वन ठीक है अब हम राइट हैंड डेरिवेबल निकालेंगे राइट हैंड डेरिवेबल की वैल्यू क्या आएगी लिमिट एक्स टेंस टू वन पॉजिटिव एफ एक्स माइनस एफ वन पोन में एक्स माइनस वन लिमिट एक्स टेंस टू वन प्लस एक्स स्केयर माइनस एक्स माइनस वन वही चीज बचेगी मैं यहां डायरेक्ट लिख देता हूं एक्स वन प्लस एक्स प्लस वन बचेगा ठीक है लिमिट एच टेंस टू जीरो वन प्लस एच प्लस वन ये भी वैल्यू क्या आ गई टू आ गई तो इसका मतलब क्या है लेफ्ट हैंड डेरीवेबल इजिकल टू राइट हैंड डेरीवेबल एट एक्स इजिकल टू टू पे वैल्यू सेम आ गई ठीक है ए, वो कितनी आई है एट एक्स इजिकल टू वन पे कितनी आई है टू आई है यानी सेम आ गई तो एफ एक्स इज डिफ्रेंशबल एट एक्स इजल टू वन पे एंड एफ डैश वन कितना आ गया टू ठीक है तो एफ डेरिबल वन की वैल्यू कितनी आ गई टू साफ पता चल रहा है अगर इसका डिफरेंशियबल करेंगे एक्स केयर का तो टू एक्स आएगा एक पावर कम करेंगे इसमें वन पुट करेंगे तो टू वैल्यू आ जाएगी ठीक है आगे बढ़ा सब देखते हैं नेक्स्ट है हमारे पास शो दैट एफ एक्स इजिकल टू एक्स प्लस टू एट एवरी एक्स बिलोंग टू आर बट नोट डेरिवेबल एट एक्स इक्वल टू माइनस टू अभी ये देखो काफी बड़ा सम बन जाएगा इसने कंटिन्यूटी भी पूछ रखा है ठीक है एक बार इसको कर लेते हैं लिख लेते हैं इसको सही तरीके से तो एफ एक्स हमारा क्या बनेगा एक्स प्लस टू एक बार प्लस में लिख देते हैं इसको पहले प्लस वाला एक्स प्लस टू ये तो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा माइनस टू क्योंकि इसकी वैल्यू एक्स की माइनस टू आएगी और ये वैल्यू क्या होगी माइनस में और माइनस वाली वैल्यू हमेशा लेस देन होती है ठीक है और यह क्या आ जाएगा लेस देन माइनस टू अब ये माइनस टू कहा से आए इसकी वैल्यू अगर इसको जीरो माइनस टू वैल्यू आएगी एक्स की ठीक है अब एक्स ग्रेटर देन माइनस टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू विच इज बींगल फंक्शन एट वेन एक्स लेस देन माइनस टू एफ एक्स इजिकल टू माइनस एक्स प्लस टू विच बी ए पोलिनोम टू तो सबसे पहले हम कॉन्टीन्यूटी चेक करेंगे ठीक है ना एट एक्स इजिकल टू माइनस टू पे क्या चेक करेंगे कंटिन्यूटी तो अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेकर चलेंगे लिमिट लेकर चलेंगे ठीक है लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट एक्स टेंस टू टू नेगेटिव माइनस टू नेगेटिव एफ एक्स आएगा और नेगेटिव में वैल्यू हमारे पास क्या है माइनस के एक्स प्लस टू ठीक है लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस बाहर ले लिया माइनस टू माइनस एच प्लस टू ठीक है ये वैल्यू क्या बनेगी माइनस टू से टू कैंसल एच टेंस टू जीरो पुट करेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी जीरो आ जाएगी हमने डायरेक्ट कर दिया पीछे हमने कर रखे हैं सारे सम ठीक है हमें पता है क्वान्टिटी का अब अब हम राइट हैंड लिमिट निकाल देंगे लिमिट एक्स टेंस टू माइनस टू पॉजिटिव ग्रेटर देन पे एक्स प्लस टू वैल्यू है ठीक है लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस टू प्लस एच और प्लस टू अब इसके अंदर देखो एच टेंस टू ज़ीरो पुट करेंगे तो ये वैल्यू भी क्या आ जाएगी ज़ीरो आ जाएगी आल्सो एफ माइनस टू की वैल्यू क्या आएगी माइनस टू प्लस टू ये भी वैल्यू क्या आ जाएगी जीरो आ जाएगी तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिटिकल टू एफ माइनस टू ये जीरो के इक्वल आई है तो इसका मतलब एफ एक्स क्या है कॉन्टिन्यूज है कॉन्टिन्यूज एट एस एक्स इजिकल टू माइनस टू पे समझ आ गया सभी को अभी सम कंप्लीट नहीं हुआ अभी हमने इसको डेरिवेबल भी बताने हैं बताना ये इस, इसने कहा है अभी नोट डेरीवेबल एट एक्स इजिकल टू माइनस टू पे ठीक है अब डेरीवेबल वाला सिस्टम करते हैं स्टार्ट एट एक्स इजिकल टू माइनस टू ठीक है डेरीवेबलिटी में फॉर्मूला आपको पता ही है लिमिट सबसे पहले राइट एंड डेरीवेबल लेफ्ट ही निकाल लेते हैं चलो ठीक है लिमिट एक्स टेंस टू माइनस टू नेगेटिव, एफ एक्स माइनस एफ माइनस टू और अपोन में क्या आ जाएगा एक्स माइनस ब्रैकट में माइनस टू ठीक है अब इसको सोल्व करते हैं लिमिट एक्स टेंस टू माइनस टू नेगेटिव एफ एक्स हमारा क्या है एक्स प्लस टू एक्स माइनस टू है एक्स प्लस टू बाहर माइनस का है ठीक है माइनस में एफ माइनस टू की वैल्यू हमने जीरो निकाली है और में क्या है एक्स प्लस टू ठीक है अब देखो माइनस बाहर कॉमन आ जाएगा अगर यहां से माइनस का बाहर कॉमन ले तो लिमिट टेंस टू टू नेगेटिव हमारे पास वैल्यू क्या आएगी माइनस वन ठीक है क्योंकि एक्स प्लस टू से एक्स प्लस टू कैंसिल ये माइनस का वन बचेगा ठीक है अब हम राइट हैंड डेरिवेबल निकालेंगे तो इसको करेंगे अब सोलव ठीक है ये देखो कैंसल हो गया एक्सप्लस टू से तो इसकी वैल्यू क्या आ गई जीरो आ गई ठीक है लेफ्ट हैंड डेरिवेबल, राइट हैंड डेरिवेबल, क्या इक्वल आए हैं नहीं राइट हैंड डेरिवेबल जीरो आया है और लेफ्ट हैंड डेरिवेबल हमने कितना निकाला था माइनस के वन तो इसका मतलब यही तो हमें पूछा गया था लेफ्ट हैंड डेरीवेबल जो है वो इक्वल नहीं आया राइट हैंड डेरीवेबल के तो एफ एक्स इज नॉट डिफ्रेंशियबल एट एक्स इज इक्वल टू माइनस टू ठीक है अब हमारा जो फंक्शन एफ एक्स है वो डिफ्रेंशियबल नहीं है एफ एक्स इज नॉट डिफ्रेंशियबल तो यही हमें पूछा गया था एट एक्स इक्वल टू माइनस टू पे ठीक है अब ये जो आगे वाला सेकेंड पार्ट है मैं यहाँ लिख देता हूँ ठीक है आप ट्राई करने की कोशिश करना एफ एक्स इज इक्वल टू है एक्स माइनस थ्री का मोड ठीक है इज कॉन्टीन्यूज एट एवरी एक्स बिलोंग टू आर बट नॉट डेरीवेबल नोट डेरीवेबल एट एक्स इक्वल टू थ्री ठीक है अब यहाँ पे देखो सारा हमारा प्रोसेस वही रहेगा ठीक है और एट एक्स इज इक्वल टू थ्री पे हमने बताना है कि ये राइट लेफ्ट राइट कॉन्टिन्यूटी निकाल लेंगे इसको सही तरीके से आप लिख लोगे एक बार माइनस में एक बार प्लस में एक्स माइनस थ्री पे वैल्यू क्या आएगी ठीक है एक्स माइनस थ्री पे वैल्यू क्या आ जाएगी ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री और माइनस ब्रैकेट में एक्स माइनस थ्री पे लेस देन माइनस टू लेस देन थ्री ठीक है थ्री पे राइट हैंड लिमिट निकालेंगे लिमिट एक्स टेंस टू थ्री पॉजिटिव तो एफ एक्स हमारा क्या आएगा थ्री ठीक है लिमिट एक्स टेंस टू एच टेंस टू जीरो पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी जीरो आ जाएगी ठीक है लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट एक्स टेंस टू थ्री नेगेटिव एफ एक्स हमारा क्या है माइनस के एक्स माइनस थ्री माइनस के एक्स माइनस थ्री थ्री माइनस एच माइनस थ्री पुट करेंगे जीरो इक्वल आ गया लेफ्ट राइट लिमिट इक्वल आ गई एफ थ्री निकालेंगे एफ थ्री पे एक्स माइनस थ्री है तो एफ थ्री जीरो आ गया ठीक है तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और एफ थ्री जो है वो जीरो के इक्वल आ चुके हैं ठीक है तो फंक्शन हमारा कंटिन्यू एट एक्स इक्वल टू थ्री पे नाउ वी एग्जाम द डेरिवेबिलिटी ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू थ्री पे ठीक है डेरिवेबल दिखाएंगे एट एक्स इक्वल टू थ्री पे लिमिट एक्स टेंस टू थ्री पॉजिटिव राइट एंड डेरिवेबल चेक कर रहे हैं थ्री पॉजिटिव अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ इसको एफ एक्स हमारा क्या है, एक्स माइनस थ्री माइनस जीरो पोन में एक्स माइनस थ्री कैंसल आउट हो गई वैल्यू क्या आ गई वन आ गई क्योंकि एक्स माइनस थ्री बाई एक्स माइनस थ्री है ठीक है राइट लेफ्ट डेरीवेबल लिमिट x टेंस टू थ्री नेगेटिव थ्री नेगेटिव पे हमारी वैल्यू क्या आएगी एफ एक्स माइनस एफ थ्री कौन में x माइनस थ्री तो बाहर माइनस का आ जाएगा x माइनस थ्री बाई एक्स माइनस थ्री माइनस में जीरो दोनों कैंसिल आउट होके माइनस वन ठीक है लेफ्ट राइट डेरिवेबल इक्वल नहीं आए तो एफ एक्स नॉट डेरिवेबल एट एक्स इक्वल टू थ्री पे बिल्कुल दोनों सेम समते, ठीक है नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है हमारे पास एर्थ सम शो दैट एक्स माइनस वन का मोड प्लस एक्स माइनस टू का मोड इज नोट डेरीवेबल एट एक्स इक्वल टू टू नोट डेरीवेबल बता रहे तो सबसे पहले डेरीवेबलिटी चेक करते हैं एट एक्स इक्वल टू टू पे लेफ्ट एंड डेरीवेबल लिमिट एक्स टेंस टू टू नेगेटिव एफ एक्स माइनस एफ टू अपॉन में एक्स माइनस टू लिमिट टेंस टू टू नेगेटिव एफ एक्स हमारा क्या है एक्स माइनस वन का मोड प्लस एक्स माइनस टू का मोड एफ टू की वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे तो वो वैल्यू क्या आएगी वन टू माइनस वन का मोड वन टू माइनस टू जीरो ठीक है और अपॉन में क्या वैल्यू है एक्स माइनस टू अब लिमिट एच टेंस टू जीरो पुट करेंगे तो लिमिट अगर एच टेंस टू जीरो करेंगे तो एक्स हमारा टू माइनस एच हो जाएगा क्योंकि टू माइनस है माइनस वन प्लस टू माइनस एच माइनस टू माइनस में वन और अपॉन में है टू माइनस एच और माइनस में है टू ठीक है अब टू से टू हो जाएगा कैंसिल एक्स इजिकल टू हमने क्या किया टू माइनस एच टू से टू कैंसिल हो जाएगा टू माइनस वन वन माइनस एच का मोड़ प्लस माइनस एच का मोड और माइनस वन और अपोन में क्या है माइनस का एच लिमिट एच टेंस टू जीरो वन माइनस एच इसका मोड़ निकाला और माइनस का एच का मोड है वो प्लस में बन बन गया और माइनस में वन और अपोन में है एच ठीक है अब देखो एच से एच कैंसिल हो रहा है यहां पे ठीक है वन से वन कैंसिल हो गया वैल्यू आ गई जीरो नेक्स्ट राइट हैंड डेरिवेबल निकालेंगे राइट हैंड डेरिवेबल के अंदर क्या वैल्यू है देखो लिमिट एक्स टेंस टू टू पॉजिटिव एक्स माइनस वन का मोड प्लस एक्स माइनस टू का मोड और माइनस में वन ठीक है अब यहां से देखेंगे x की वैल्यू पुट करेंगे h टेंस टू जीरो टू प्लस एच माइनस वन प्लस टू प्लस एच माइनस टू माइनस वन टू प्लस एच माइनस टू वही प्रोसेस है हमारा जो ऊपर की है ठीक है टू से टू कैंसिल टू माइनस वन वन प्लस एच एच का मोड़ और माइनस वन पोन में है लिमिट एच टेंस टू जीरो वन प्लस एच प्लस एच वन से वन कैंसिल टू एच बाई एच यानी टू आ गई वैल्यू ठीक है एच से एच कैंसर लेफ्ट इज नॉट इक्वल तो हमारा जो फंक्शन है वो डेरीवेबल नहीं है ठीक है एक्स इक्वल टू टू पे जो एक जैसे सम होते हैं उसको मैं पहले यहां पे सॉल्व कर लेता हूं ताकि आपको समझाना आसान हो जाए वरना समझाने को तो समझा दूँ पर उसमें काफ़ी बड़ा बन जाता है सोलो किया वो हो तो एक आपकी एक्सरसाइज भी जल्दी होगी और नेक्स्ट चैप्टर पर भी हम जल्दी पहुँचेंगे तो एक जैसे सम हो मैं यहाँ पे सोलो कर लेता हूँ उसको ठीक है तो इसी के साथ एट सम हमारा कंप्लीट हो चुका है और इस सम के साथ हमारा ये चैप्टर कॉन्टीन्यूटी एंड डिफेंसीबिलिटी वाला वो भी कम्प्लीट हो चुका है अगर किसी को कोई इस चैप्टर के अंदर इस सम के अंदर डाउट आए तो निश्चित तौर पे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए देखिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए व्यू आ जाते लेकिन आप लाइक नहीं करते और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है मैं एलिमेंट मैथ प्लस वन प्लस टू का कंप्लीट करवाना है मैंने आपको ये मेरा आपसे वादा है ठीक है जो एक जैसे समय मैं पहले सोलो कर लेता हूँ ठीक है अगर आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और इन सभी की इस चैप्टर की प्ले भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है